नाम शाइना हसन है और मैं गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करती हूँ। मैंने रिसेंटली अपना मास्टर्स क्लियर किया है नमल यूनिवर्सिटी से और अब मैं एज अ वर्किंग लेडी मैं काम कर रही हूँ, जॉब वगैरह कर रही हूँ। और साथ में मेरा पैशन है, मैं बाइक वगैरह चलाती हूँ, स्कूटी चलाती हूँ, मोटर बाइक चलाती हूँ। और मुझे बचपन से ही शौक था कि मैं बाइक रखूँ, मैं बाइक्स देखती थी और मेरा शौक था कि मैं बाइक चलाऊँ। और जब मैंने बाइक चलाना स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगा कि ये सीखने में बहुत मुश्किल है, लोग भी काफ़ी जो है आप पे कोई पॉजिटिव रिएक्शन देता है, कोई नेगेटिव रिएक्शन देता है। लेकिन मैंने इन सब चीज़ों का ख्याल नहीं किया, लेकिन मैंने स्टार्ट कर लिया बाइक चलाना। लड़कियों को भी मैं इसी तरह मोटिवेट करती रही कि साथ में आप भी बाइक चलाएं, आपके लिए बहुत ज़्यादा ये कन्वेंस रहता है। आप वर्किंग पे जाते हो, आसपास आप जहाँ भी जाते हो आपका टाइम बच जाता है, लोकल ट्रांसपोर्ट की ख्वारी आपको नहीं खानी पड़ती है। बाइक को फिर इस तरह से मुझे मेंटेन भी रखना पड़ता था। बाइक जो है मुझे स्टार्ट में मेरे भैया ने सिखाया, फिर उसके मुझे मेंटेनेंस भी करना पड़ता था। उसको मैं वर्कशॉप लेके जाती थी ट्यूनिंग वगैरह कराने के लिए, और उसके सर्विस कराने के लिए मैं सर्विस स्टेशन पंप पे लेके जाती थी। और ट्यूनिंग कराने जब वर्कशॉप पे जाती थी, वहाँ अक्सर ऐसा भी होता था कि मैकेनिक्स के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता था कि उसने ये काम सही नहीं किया, एक काम सही किया तो वो दूसरा काम ख़राब करके भेज देता था। इस तरह काफ़ी मुझे रोड्स पे भी प्रॉब्लम हुई, कभी टायर पंक्चर होना, कभी बाइक का कोई और मसला निकल आना, फिर उसको फिर घसीट के लेके जाएँ, आप मैकेनिक के पास लेके जाएँ, या आप मैकेनिक को कॉल करें, रोड पर ही खड़े होकर उसको मेंटेन करें, उसके बाद फिर चलाएँ। कि आप रोड पे निकलते हो तो काफ़ी पॉजिटिव रिएक्शंस भी आते हैं, काफ़ी नेगेटिव रिएक्शंस भी आते हैं। काफ़ी फैमिलीज आपको थम्स अप करती हैं, काफ़ी आपको मोटिवेट करती हैं, काफ़ी मदर्स भी आती हैं हमारे पास, पूछती हैं कि आपने बाइक कहाँ से ली है, मेरी बेटी को भी शौक है, उसके लिए भी लेना है, आपने कहाँ से सीखा है। तो इससे और भी ज़्यादा खुशी होती है कि काफ़ी हमारा इन्वायरमेंट जो है अब इस ट्रेंड को लेके चलना चाह रहा है आगे। प्रॉब्लम्स भी आती हैं, काफ़ी लोग आपको तंग करते हैं, वोटिंग करते हैं, लेकिन उसको इस तरह से मैंने टैकल किया कि आप बस इग्नोर करो और आप अपने रास्ते पे चलो। जितना आप लोगों से झगड़ोगे, जितना आप लोगों से लोगों लोगों की बातें सुनोगे, उतना आप डीमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए बेहतर है कि आप उनकी बातें सुनो ही ना और आप अपने मंजिल की तरफ चलते जाओ।
देना चाहूँगी कि मोटर बाइक जो है वो सस्ती सवारी है, स्कूटी जो है वो आपकी अपनी सवारी, आप जहाँ जैसे मर्जी जिस तरह लेके जा सके, पास आप दही लेने जाएं, दूध लेने जाएं, अपने लिए आप अपनी शॉपिंग करने जाएं, आपको कम से कम किसी पे डिपेंडेंट होना नहीं पड़ता, आप इजीली जा सकते हो। लोकल ट्रांसपोर्ट में भी आपको वेट करना पड़ता है, काफ़ी ख्वारी देखनी पड़ती है, उससे अच्छा आप स्कूटी रख लें, अपनी सवारी आप जैसे मर्जी जिस टाइम निकलें और जाएँ, ये आपके लिए बहुत ईजी रहता है।